हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फूड कलर कैसे बनाएं, या फिर रेड फूड कलर खाने वाला किस तरह से बनाएं, या फिर बीट का पाउडर किस तरह से बनाएं, तो ये वीडियो पूरा इसके ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बीट ले लिया है, और बीट को अच्छे से धो के सुखा के फिर इसकी स्किन पूरी अच्छे से निकाल दी है। अभी बड़ी होल वाली छलनी लेंगे हम, जो सबसे बड़ा होल होगा ना, वो वाली ग्रेटर लेंगे और इसको सारे बीट को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद हमें इसको एक प्लेट में भरना है, पर डायरेक्ट प्लेट में नहीं भरना है। इसके ऊपर इस तरह से बटर पेपर या फिर कोई प्लास्टिक की शीट लगा सकते हो, या फिर जाड़े वाले प्लास्टिक की जो थैली आती है ना, उसको कट करके धो के भी इसके ऊपर रख सकते हो। डायरेक्ट अगर रखोगे ना तो ये डिश के साथ चिपक जाएगा, फिर आपको बाद में परेशानी होगी। तो इस तरह से अच्छे से आप फैला दीजिए। अगर ज़्यादा होना तो दो बर्तन में कर लीजिए। ये बर्तन को आप विंडो में या टेरेस के ऊपर जहाँ पर तेज़ धूप आती है ना, वहाँ पर रख दीजिए पूरा दिन, और रात को आप अंदर रूम में ले लीजिए पंखे के नीचे। तो टेरेस होगा ना तो दो दिन में ही इस तरह से पाउडर हो जाएगा। आप देखो, कट करती हूँ ना तो एकदम उसका पाउडर हो जाता है। तो ये रेडी है हमारा, और नहीं तो आप विंडो में अगर कम धूप आती है ना तो 3 से 4 दिन रखे और चेक कर ले। यहाँ पे मैंने छोटे वाले ग्राइंडर जार में इसको लेके 3 मिनट तक ग्राइंड किया है, तो एकदम फाइन पाउडर हो गया है। इसको छान लीजिए। आपको साल भर कोई भी केमिकल्स अपनी रेसिपीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका रेड फूड कलर, ऑर्गेनिक रेड फूड कलर बनके तैयार है। आपको किसी भी सब्जी में या केक में किसी में भी डालना हो तो एक चुटकी डालोगे ना तो भी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको स्टोर करके आपको फ्रिज में रखना होगा, पूरे साल तक ये ख़राब नहीं होगा। साल के ऊपर हो जाए फिर भी ये अच्छा रहेगा। आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा जार में बच गया था तो इसमें मैंने पानी डाला है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू गाइस, बाय गाइस।